विभाग के लिपिकों के स्थानांतरण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर रालोसपा महासचिव ने जांच की मांग की। क्या कहना है आइए सुनते हैं। लिपिकों के जो गड़बड़ी हुई क्या है मामला ये? जो भी जिले में लिपि की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हुई है उसमें भारी अनियमितता हुई है। लोकायुक्त का ऐसा दिशा निर्देश था जो यहाँ 3 साल से पोस्टेड हैं उनको अनुमंडल चेंज करना, लेकिन अनुमंडल ना चेंज होकर ब्लॉक चेंज हुआ। उसके बाद में एक भी आदेश था दिशा निर्देश में जो कैंपस में जो भी लिपिक पैसे स्थापित हैं उस कैंपस में उनके पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुर्सी टेबल का ही आदान प्रदान हुआ। और उसके बाद में एक और ऐसा दिशा निर्देश भी था कि जब एनम जो भी का भी क्लास जो चलता है स्कूल उसमें लोग जेंट्स मैंने लिपिक की भर्ती पोस्टिंग की है जिसमें आपका यहाँ पर लिपिक महिला लिपिक है ये भी गड़बड़ी है। तो ये लोग पूरे अनमिट का ही मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग में किया। इसके लिखित हमने 25/6 को माननीय जिला अधिकारी महोदय को दिए हैं कि आप अपने स्तर से इसको जाँच कराएँ, पूरे पारदर्शिता सामने आ जाएगा इसमें जांच में क्या क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। सिविल सर्जन से आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया इस विषय? हमने कल सिविल सर्जन महोदय से मिले थे, उन्होंने बोले कि इस पर हम लोग मैंने देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं हो सकता है, हम लोग इस पर अपना विचार गहन विचार कर रहे हैं। कल जो भी सिविल सर्जन जो पुराना सतीश बाबू थे उनसे हमने बात इस मैटर पर किए थे। और एक बात और है, स्वास्थ्य विभाग की ऐसी गड़बड़ी की जो ग्रामीण जनता के आवेदन जो भी आ रहा है उस आवेदन साल साल भर हो जा रहा है उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमने उसके लिए भी 25 या 26 तारीख को एक आवेदन दिए हैं कि जो ग्रामीण जनता की जो समस्या है चांदी उप स्वास्थ्य केंद्र की एनम पर जो भी ग्रामीण जनता का आरोप लगा उसमें उस पंचायत के मुखिया ने भी अनुशंसा किए हैं, उसको आप अपने स्तर से जाँच कराएँ कि क्या मैंने वहाँ पर एनम पर जो भी ग्रामीण जनता के द्वारा लगाया गया आरोप है वो सही है कि गलत है, लेकिन उस आवेदन को इन लोगों ने दबा कर रख दिया है। तो ये सब बिंदु को लेकर कल हम सीए साहब से मिले हुए थे, जो पुराने सीए साहब थे सतीश बाबू, उन्होंने बोले कि जो भी होगा इस पर उचित कार्रवाई हम करेंगे। पर्चे बताइए अपना। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रदेश महासचिव जगह कुशवाहा।